सोफिया। सोफिया किस कोर्स में? डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सोफिया के? बस डॉक्टरी करेंगे, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद शादी करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। शादी नहीं करनी? सच्ची बताएं, कभी भी नहीं। बेटिया रेडी हो जाओ। नहीं, कभी भी नहीं कहते। ऐसी क्या बात होगी? नहीं कहते। अंकल आंटी प्लीज के हैं, उसका माइंड में है, वो तो रेडी हो गई कि नहीं करनी? नहीं करनी, मुझे बहुत सा फ्यूचर में बहुत तरक्की करनी है, मुझे बहुत काम है। इंशाल्लाह, वेरी गुड, अल्लाह करे आप फ्यूचर में तरक्की करें और आगे जाएं। कॉन्सर्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है? अमानत आ रहा है, फलक आ रहा है, वो नदीम आ रहा है? अमानत का एक ही सॉन्ग सुना है, फलक का एक ही सॉन्ग सुना है, बाकियों को तो पहली दफा देखना क्या होता है। लेकिन आपको मुझे सच बताएं, कॉन्सर्ट पे आती है, एंजॉय करने आता है बंदा, ठीक है, तो ड्रेसिंग के ऊपर कितनी तवज्जो करता है? लेकिन एक बात तो मैं बताऊंगा आपको फौजिया, लड़कियां जब इस तरह इकट्ठी होती है, सोफिया, जब लड़कियां इस तरह इकट्ठी होती है ना, उनको एक चीज पता होती है कि मैंने आज वो भी आएगी तैयार होकर, मैं भी आऊंगी, देखती हूं कौन अच्छी लगती है। मेरे में ये बिल्कुल नहीं है, मुझे ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती है, मुझे, मैं हॉस्टलाइज्ड हूं, जो मिलता है पहन के आ जाते हैं बस। इतनी दुखी क्यों है आप? दुखी नहीं हूं मैं। ना शादी करनी है, ना कपड़े पसंद है, खाना खाती है? खाना खाती है, कुछ तो करती है, बस चावल खाती है। सोफिया, अच्छा चलिए सोफिया, अपना बताएं मुझे, आपकी मेंटेलिटी जाननी है, आपको किस तरह का फैशन पसंद है? किसी एक लड़की को पकड़ लेते हैं, किसी को भी देखे, हाँ वैसे सारी ही ऐसी लग रही है। एज कम्पेयर टू अदर गर्ल्स, आज अपने आपको कहाँ रेट करती है? 1 to 11? 6 पाँच ही काट दी यार सोफिया। पाँच क्यों काट दिया? क्योंकि आज कुछ तो अच्छी लग रही हूँ। बैंगल्स भी नहीं पहने, कुछ भी नहीं पहनी सोफिया, ऐसा क्यों? क्योंकि ना पता नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता कुछ पहनने। सिंपल सी लड़की हूँ ना सोफिया, बाकी क्या छलांगे लगाती है? नहीं, बाकी सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके पास टाइम होता है, हमारे पास अपने बुक्स को पढ़ने का टाइम नहीं, उन चीज़ों पे क्या तो बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह करे आप बहुत तरक्की करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल, बिलाल ने जब भी आपने कहा था कि मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, मुझे इंटरव्यू नहीं करना, ऐसा क्यों? आपने ऐसे बताना था इसमें? देखिए ये रियलिटी है यार, आप लोग क्यों छुपाते हो? अगर मेरी कोई ऐसे कोई बाल में तो ऐसे जस्ट बाल के वेरी गुड वेरी गुड वॉच पहनी तो ब्रांड्स वगैरह लाइक करते हैं? ठीक है, वेरी नाइस। इसके साथ कुछ और पहन लेते हैं, फॉर्मल शूज पहन लेते, बिल्कुल पॉश लगते। चलो नेक्स्ट टाइम से। वेरी गुड वेरी गुड। आज की ड्रेसिंग का रेट खुद करो। 11 देते बाल हैं नहीं बाल वो वाली क्लास नहीं थी, एक हेयर स्टाइल होता है वो भी थोड़े शॉर्ट करवाया मैं, नंबर काटो ना उसको। नहीं अब 6 पे ना ले जाओ, वैसे ही कोई बात नहीं, खुद कट पहनी है, स्लिम फिट पहन लेते। चलो नेक्स्ट टाइम। बेल्ट दिखाओ। बेल्ट है वो जा नहीं रही, आउट ऑफ। मिसाल देता हूँ कि अगर मेरे पास हो तो मैं चाहूंगा तो मैं छेड़ छूड़ के नंबर ले आऊंगा नीचे, लेकिन ओवरऑल लुक देखें, इज लुकिंग रियली गुड। क्या इतनी डेप्थ में? मैं कोई अरमानी या गुची नहीं हूँ कि मैं उसको कहूँ नहीं ये वो, मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है, तो मुझे ये नजर आ रहा है एक लड़का अच्छा लगता है तो हम इसे अच्छे नंबर ही देंगे। वो खुद से अपने लेके जाते हैं, तैयार करवाते हैं, वो भी तो करवाए ना। अच्छा अच्छा, मुफ्ता प्रोग्राम खत्म है बेटा, निकल निकल। देखिए वो अभी दोबारा आएगा इंशाल्लाह, जैसे यू नो सर्दियाँ फुल पीक पर होंगी, हम लोग सिलेक्ट करेंगे रैंडम लोग और उन्हें लेके जाएंगे और देखो वो दोबारा देंगे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फहद। फहद क्या करते हो? मैं FSC प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूं। फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान डॉक्टर बनने। फहद किसी ने बताया तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं? पहले का पता है मुझे, खुद पता है, लोग कहते हैं ना बहुत अच्छे बाल हैं जी, नो डाउट। अच्छा फहद यार, यहाँ से अभी तक ग्लाइड भी नहीं करवाए, ये कानों वाला फैशन क्यों कैरी कर रहा है? वैसे स्पाइस के साथ सूट करते हैं, एक बार फेस करा के देखो अच्छा लगेगा। काफी ज्यादा लड़कों ने ऐसा किया तो तुम्हें अलग करना चाहिए। बहुत आला चेक है जी, बहुत आला यूजफुल कलर है। जीन्स इज काइंड ऑफ डिफरेंट बिकॉज इस ड्रेसिंग के साथ लो फ्लाई पहन लेते,
अच्छा बात ये क्या सीन है यार, लड़के ना जब आप लोगों को ऑप्शन दी जाती है घर वालों की तरफ से, आप लोग कहते हैं मम्मी मैंने वॉच लेनी है, अबू वॉच लेनी है, वो कहते हैं जाओ ले आओ, आप लोग क्यों ये सिलेक्ट करते हो बड़ा डायल और ब्रेसलेट वाली? आजकल चल नहीं रहे बड़ा डायल, उसमें हम क्या करते हैं, दो लड़के ऐसे सिलेक्ट करके दिखाते हैं आपको जो खुद एक लड़के ने सिलेक्ट किया कि ये आपसे अच्छा लग रहा है, क्यों? मैंने करना क्या था, आज मैंने स्टैंड आउट करना था, ठीक है। दो तरह की ड्रेसिंग होती है, एक होती है वेरी कैजुअल एंड कूल, मतलब चिल रिलैक्स, और ये होते हैं ये फ्यूचर में ना स्टार्ट बनेगा, इसने अभी स्टार्ट बनना है, बॉडी बनानी है, वो लो नेक पहनना है, अपनी क्लीवेज दिखानी है। एनीवे थैंक यू फॉर मोस्ट लवली टॉकिंग टू यू, आपकी रेटिंग जरूर आएगी। अब आप आ जाए, मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला जब आप आए थे कॉन्सर्ट पे, यू नो क्या माइंड था कि आज कैसी ड्रेसिंग करनी है? माइंड तो का था कि जिस तरह की अभी फॉर्मल की है, थोड़ी शर्ट थोड़ी अच्छी सी हो जाती, लेकिन थोड़ा सुबह सुबह यूनिवर्सिटी आना था तो इस वजह से ज्यादा वो जल्दी में सुबह से पहले ब्लैक थी बॉय के साथ, लेकिन उसको पता था क्या करना है। अब नाम क्या था? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप 11 नंबर देखें, आपसे ही पहले एक एपिसोड में शर्जील नामी लड़का था, यू नो मिलांच के लॉन्च पे, जिसने बिल्कुल इस तरह की ड्रेसिंग की थी, थोड़ा सा डिसेंट था उसका कोट प्लस जो टी शर्ट थी ना इसके साथ, वो वी नेक पहन लेते हैं या डीप राउंड नेक पहनते ताकि आप अच्छे और लगे। और ये जो ये है ना, यहाँ तो उसको शार्प कराए इमो कट को, ये था प्रॉपर इमो कट, तो आपकी लुक बहुत अच्छी लगी। आपका माशाल्लाह जो फेस है वो काफी पतला है, वॉच क्यों नहीं पहनी? बस वो बताया सुबह जल्दी में थे तो इस वजह से। अपने आप को खुद रेट करो। सिक्स। तुमने 5 नंबर काट लिया, व्हाई? झड़ी नहीं थी, ठीक है, हेयर स्टाइल प्रॉपर नहीं था, ठीक है, और शर्ट मतलब जो जो बातें मैंने की तुम्हें लगता है मैंने सही की? जी। गलती तो नहीं है? नहीं, ठीक है, तो 6 ही मिलेंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि जब आप मिले तो प्रॉपर स्टार्ट लगे। थैंक यू सो मच।